चलो ठीक है, संविधान का जो मूल अधिकार के बारे में शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, बहुत कम समय में बताऊंगा। संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है किस भाग में है, भाग तीन में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 32। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। 26 जनवरी 1950 को मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इस समय संख्या कितनी है? 6 है। और जो एक कम कर दिया गया वो है संपत्ति का मूल अधिकार, उसे कम किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि संपत्ति को मूल अधिकार को कब हटा दिया गया, तो 1978 में ये पूछता है, 1978 में हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आज की वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब 6 मूल अधिकारों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो 6 मूल अधिकारों को याद करने के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने एक जो है इसका फार्मूला बनाया है। फार्मूला है समान, स्व, शु, ध, शिक्षा, संस्कृति और उपचार। समान से हो गया समानता का अधिकार, स्व से हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, शु से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके आर्टिकल के को भी याद करने का मैंने एक जो है फार्मूला बनाया है। अब यह समानता के अधिकार की शुरुआत कहां से होती है? अनुच्छेद 14 से होती है। इतनी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा ना? अनुच्छेद 14 से आपको याद करना पड़ेगा। इस फार्मूला को याद कर लीजिए, 5, 4, 2 और 4। तो समानता की शुरुआत होती है 14 से, तो 14 में 5 जोड़ेंगे 18। यह फार्मूला बनाते हुए आपको अनुच्छेद भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद 14 से समानता के अधिकार की शुरुआत होती है, उसमें 5, 4, 2 और 4, 2 जोड़ते जाइए और बाकी चीजें निकल जाएगी, ठीक है ना? इसमें से शोषण के विरुद्ध का अधिकार यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, सबसे अधिक बार पूछा गया है। और इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का विवरण मिलता है 23 और 24 में। दो ही पूछा जाता है, किसान में पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है ना? तो ये आपके जो 6 मूल अधिकारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगला अनुच्छेद मैंने बताया 14 से शुरू होता है ना, अब 12 और 13 के भी बारे में जान जाइए। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें कोई भी कानून यदि कोई भी विधायिका भारत की या संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह कानून स्वतः ही क्या हो जाएगा? 0 या 0 हो जाएगा, यह इसमें बताया गया है। तो मैं 12 भी बता दिया, 13 भी बता दिया और अनुच्छेद 32। और आपको पता है अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको संविधान के क्या किया गया है? निकाल दिया गया है। तो यहाँ से संपत्ति के मूल अधिकार को एक चीज और जुड़ गई, संपत्ति के मूल अधिकार को का विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 31 में है। और इसे कब निकाला गया? 1978 में निकाला गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसे निकाल दिया गया, ठीक है ना? अब अनुच्छेद 32 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आपके 6 मूल अधिकार हैं उसमें B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय दोनों का है। अब अगली टॉपिक हम पढ़ाते हैं आपको, है ये बताते हैं कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी हम अपील कहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर इसकी अपील हम या तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे। और जब हम अपील करते हैं तो उसे रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिट। रिट यानी याचिका, ठीक है ना? तो मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम इसकी अपील की करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? याचिका, ठीक है? याचिका या रिट इसे हिंदी में कहा जाता है। और यह रिट तो दायर की जाएगी, अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया जाएगा या अनुच्छेद 232 का प्रयोग किया। रिट क्या है? पूछा हुआ है रिट याचिका क्या है? तो रिट और याचिका होती है जब मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो इसकी अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया आपको? सत्यम समझ में पूरी तरीके से आ गया? ठीक है, चलो बंद करो।